कॉर्पोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स की यह जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ता पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सीबीआई की रेट हुई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी 1986 के बाद जब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी पहली बार सीबीआई की रेट हुई। जब हम जनरल हाउस की मीटिंग में कहते थे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर करप्शन हो रही है, आम जनता दुखी है, तो मेयर साहब हाउस को स्थगित कर देते थे और वहां से वॉकआउट कर देते थे। लेकिन आज सीबीआई की रेट हुई, एक हफ्ता हो गया, अभी तक उन करप्ट ऑफिसर्स का नाम, उन पॉलिटिशियनों का नाम, उन मंत्रियों का नाम अभी तक सामने नहीं आया जिन्होंने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर करप्शन की। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उन करप्ट ऑफिसर्स का, उन मंत्रियों का, उन पॉलिटिशियनों का नाम जो है वो जनता के सामने आना चाहिए और उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। जिस प्रकार आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लैंड ग्रैबिंग पार्टी बन चुकी है, जिस प्रकार पिछले दिनों में एक लैंड ग्रैबिंग करने की कोशिश की, उसी प्रकार थोड़े दिन पहले हमारी बड़ा प्राचीन मंदिर जिसको रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ कॉर्पोरेशन द्वारा उसको ग्रैबिंग करने की कोशिश की गई, वहाँ मेयर साहब का नाम आया। हम मेयर साहब से इस्तीफा मांगते हैं कि जब तक इस पूरी इंक्वायरी का झूठ, सच का सच और झूठ का झूठ सामने नहीं आता। तो हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सीबीआई की जांच को आगे बढ़ाने के लिए, हमें शक है कि इस जांच को जहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि इस जांच को निष्पक्ष किया जाए और उन लोगों का जो है नाम उजागर किया जाए, चाहे वो कोई भी करप्ट ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो। तो हमारे चीफ व्हिप द्वारका चौधरी जी वो भी इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। जैसे मेरे से पहले गौरव जी बोल रहे थे, थोड़े दिन पहले आप सबको पता है कि जहां पे एक सीबीआई द्वारा रेड किया गया, जो हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, खिलाफवर्जी विंग है, या कोई दूसरा इंजीनियरिंग विंग है, जहां पे सापे मारे गए, बट अब तक हमें पता नहीं चला कि उसके बाद हुआ क्या, वो चीज़ कोई भी बाहर नहीं आई कि इन्होंने किया क्या, जो इसको बंद क्यों कर दिया। हम ये डिमांड करते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे देखी गई वो एक सार्वजनिक की जाए, वो सब लोगों के सामने आनी चाहिए कि इसमें क्या था जो सापा पड़ा, जहाँ आप लोगों ने जो देखा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे धांधली बहुत हुई है पिछले कई सालों से, जहाँ पे जो पेट्रोल था हमारा, उस वो बहुत बिल उसके जो थे मेरे ख्याल में बहुत फर्जी बिल पड़े हुए। आज की डेट में उसकी कुछ उसमें कमी आई है, जहाँ पे 80 लाख रुपये महीने का चलता था, आज वो 40-50 लाख रुपये पे आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है और भी ऐसे ही डिपार्टमेंट हैं, ये इंक्वायरी जो है जो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सीबीआई जो हमारा जो इंक्वायरी कर रहा है डिपार्टमेंट, इसी ऊपर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम चाहते हैं सब कॉर्पोरेटर्स कि हमारे सामने जब बात आए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इससे पहले और भी मैं बातें रखना चाहता हूँ, जैसे 74th अमेंडमेंट की बात थी, देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया गया हम सबको। आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, यही सुनते हमें 2 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, अभी 7 महीने की हमारी कॉर्पोरेशन में इन्होंने मीटिंग नहीं करवाई, कैसे चलेगी कॉर्पोरेशन जिसकी एक इलेक्टेड बॉडी है, उसकी जनरल हाउस की मीटिंग नहीं करनी, फैसला वहाँ पे कोई नहीं करना। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस मुद्दे के ऊपर थी कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सीबीआई की रेट हुई, जब से कॉर्पोरेशन बनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो है वो कॉर्पोरेशन के अंदर जो है रेट करती है, लेकिन एक हफ्ता हो गया अभी तक उन करप्ट ऑफिसर्स का नाम, उन पॉलिटिशियनों का नाम आगे नहीं आया। तो हम कॉर्पोरेटर्स की ये डिमांड है कि जब तक ये उन लोगों का नाम आगे नहीं आता, हम एक तो मेयर साहब का इस्तीफा मांगते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उन करप्ट ऑफिसर्स का, उन पॉलिटिशियनों का, उन मंत्रियों का नाम आगे आना चाहिए जिन्होंने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को नोच नोच के खाली किया, नोच नोच कर खाया। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है लैंड ग्रैबिंग पार्टी बन चुकी है, और अब जिस प्रकार पंचभक्ता मंदिर जो रुपये वाला मंदिर, प्रचीन मंदिर जो है वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग
का जो इन्होंने धंधा वहाँ पे करना शुरू किया था। तो मैं चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करें और सीबीआई को निष्पक्ष जांच की जो आदेश दें ताकि उन लोगों का नाम जो है वो सामने आए।